मैं मंजू खजांची आज आपको यह फोटो फ्रेम सिखाने वाली हूँ। तो वेलकम इन प्रियदर्शनी क्लासेस। आज मैं आपको जो फोटो फ्रेम बनाकर दिखाने वाली हूँ, यह मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जैसे कि कॉर्न हस्क का मैंने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए आइए सीखते हैं कि यह फोटो फ्रेम हम कैसे बना सकते हैं। हेलो, आज मैं आपको एक फोटो फ्रेम सिखाने वाली हूँ। यह फोटो फ्रेम मैंने इन भुट्टों के छिलकों को यूज़ करके बनाया है। तो इन छिलकों का हम कैसे यूज़ करेंगे और इसमें क्या क्या आइटम लगेंगे, सबसे पहले तो कोई भी गत्ता ये मैंने ले लिया है। इसे मैंने पुराने शादी कार्ड से निकाला, आप चाहिए तो कोई भी वेस्ट नोटबुक और से निकाल सकते हैं। और ये कॉर्न के छिलके हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है इस पर मैंने वीडियो बना के पहले ही यूट्यूब पे डाउनलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इसी तरह नए नए वीडियोस जो मैं बनाती रहूँगी वो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए ताकि दूसरे भी इससे देखें और सीख सकें। सबसे पहले ये सर्कल जो मैं हमने गत्ता काटा है, इसके बीच में एक छोटा सर्कल रख के हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम एक सर्कल बना लेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। अब इस छिलकों को हम आगे, तो ये इस शेप में लीफ शेप में है, वैसे ही हम अपोजिट साइड भी इसको लीफ शेप में काट देंगे, वी शेप में। इस तरीके से पीछे से इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे लीव्स को पहले काट लेंगे। अब हम ग्लू गन की मदद से इस पर इनको चिपका देंगे। अब ये हमारा सर्कल इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसे हम किसी भी कलर से रंग सकते हैं, चाहे तो फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो और जो कलर आपको अच्छा लगता हो उसे आप इससे रंग दें। मैं इसे यहाँ ब्लू कलर के एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ। अब इस पर हम गीले गीले में ही गोल्डन कॉपर जो भी पाउडर चाहिए हमें छिड़क के शाइनिंग ला देंगे। यहाँ मैं गोल्डन पाउडर यूज कर रही हूँ। अब ये हमारा कलर कंप्लीट हो गया है। ये मैंने इसी के सेंटर के साइज का एक फोम सीट कटिंग कर ली है। आपके पास फोम सीट नहीं हो तो आप कोई भी गत्ता भी कटिंग कर सकते हैं और फिर इस पर आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक फोटो ले लिया है, इसको भी सर्कल शेप में कटिंग कर लिया है। इस पर मैं इस फोटो को चिपका दूंगी। फिर ये OHP सीट, एक प्लास्टिक सीट लेके इसके ऊपर हम स्टिक कर देंगे ताकि हमारा फोटो खराब ना हो। इसके पीछे में ये मैग्नेट लगा दूंगी ताकि हम इसे लोहे की कबर्ड या किसी भी सरफेस पे मैग्नेट की सहायता से टांग सकें। आपको अगर मैग्नेट नहीं लगाना हो तो आप कोई भी डोरी थ्रेड लगा सकते हैं। अब मैं ये नियॉन 3D कोन लेके इसके सर्कल को डेकोरेट कर दूंगी। Thank you.